हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ हटकड़ी बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जब लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, जब आप लेजर क्रिएट करते हैं, तब आपको ये चीज नहीं दिखेगी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जब आप कोई लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको उस ऑप्शन तक जाना है। आप जब इसमें अकाउंट इन्फो में जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए लेजर्स में जाते हैं, क्रिएट में जाते हैं, जब आप लेजर्स क्रिएट करेंगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। एडिट सॉर्ट का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको ग्रीन पट्टी पर नहीं रिफ्लेक्ट होगा, अभी भी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। जब आप लेजर्स क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद जब आप अल्टर में जाएंगे, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको ये एडिट सॉर्ट का एक बटन दिखेगा जिसकी शॉर्टकट की F10 है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको नीचे में यहाँ पर ये जो लेजर आपने क्रिएट किया है इसकी पोजीशन लिख कर आएगी, पोजीशन इंडेक्स इन रिपोर्ट्स 1000। टैली में बाय डिफॉल्ट जितने भी आप लेजर्स क्रिएट करते हैं वो ये जो 1000 जो कोड है इसके अंदर ही सेव होते हैं, ठीक है। ये इसकी पोजीशन बताता है, ये इंडेक्स की पोजीशन बताता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, टैली में आपने ये बात देखी होगी, जब आप बैलेंस शीट वगैरह में जाते हैं, और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ लेजर में होगा, स्टॉक आइटम में नहीं। जब आप बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपका जो भी टैली में सॉर्टिंग होती है वो अल्फाबेट वाइज होती है, पहले ए आता है फिर बी आते हैं। जो भी आपने लेजर्स क्रिएट किए हैं उसका जो नाम है, उसका जो फर्स्ट लेटर है, यानी अगर वो ए है तो सबसे पहले वो ए आएगा फिर बी आएगा, इस तरीके से आपकी सॉर्टिंग होती है, चाहे वो स्टॉक आइटम की क्यों ना हो, ठीक है। तो मानकर चलिए जैसे मेरा यहाँ पर सनडे लेटर है, HMM इंटरप्राइजेस, एच जे से पहले आता है तो एच पहले आ गया, जे उसके बाद आया, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो जे यानी जय है, इसका जो लेजर है मेरा पहले दिखाई दे, इसके बाद मेरा ये जो HMM इंटरप्राइजेस है वो दिखाई दे। तो इसे अगर हम इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं बैलेंस शीट में किसी को भी, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जब हम लेजर्स की जो सॉर्टिंग है उसे चेंज करना चाहते हैं अपने अनुसार, तो हमें क्या करना होता है, अल्टर में आना होता है। और जिस लेजर को हमें चेंज करना है, मानकर चलिए ये जो HMM इंटरप्राइजेस है इसका इंडेक्स नंबर भी 1000 है और जय का इंडेक्स नंबर भी 1000 है, अब मुझे क्या करना है, ये मेरा ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जय से ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से सॉर्टिंग हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हमें यहाँ पर इंडेक्स को चेंज करना है, इसका आगे का एक नंबर देना है क्योंकि हमें इसे जय के बाद रखना है। तो हमने क्या किया, 1001 दे दिया, ठीक है, कंट्रोल इसे सेव कर लेते हैं। अब बैलेंस शीट में चलते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब जय पहले आ गया, HMM इंटरप्राइजेस उसके नीचे आ गया। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपको ये जो ट्रिक है अच्छी लगी होगी, हो सकता है ये सभी के मतलब यूज में नहीं आए, लेकिन आप किसी को भी ये ट्रिक बताकर सरप्राइज कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर वो टैली का एक्सपर्ट है उससे भी आप पूछेंगे तो हो सकता है वो भी फेल हो जाए, उसे भी ना पता हो कि ये ट्रिक होती क्या है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा मत। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।